सीन कुछ यूं हुआ कि हमारा प्लान था कलाम से कंडोर लेक जाने का, लेकिन बाद में हमारा प्लान कंडोर लेक से चेंज होके बटगोई टॉप हो गया। और हमारा ये प्लान कैसे चेंज हुआ, यू विल गेट टू नो लेटर इन दिस वीडियो। तो अभी हम जा रहे हैं मिंगोरा से कलाम की तरफ। लास्ट ईयर स्वात में जो सैलाब आया था उसकी वजह से इसकी सड़कें काफ़ी मुतासिर हुई हैं। जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। एंड श्योरली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया। फाइनली हम कलाम पहुंचे और जिस होटल की हमने प्री बुकिंग करवाई थी वो लोकेशन की वजह से हमें पसंद नहीं आया। इसके बाद कुछ टाइम हमें होटल चेंज करने में भी लग गया। तो आखिरकार हमें अपनी पसंद का होटल मिला। अब हम काफ़ी थक चुके थे और भूख भी काफ़ी लगी थी। तो अगले दिन हम कंडोर लेक के लिए रवाना हुए। इसका रास्ता बहुत खूबसूरत और रिफ्रेशिंग है। तो यहाँ से हमारा एडवेंचर स्टार्ट होता है। मुझे लगता है पिछला रास्ता ज्यादा आसान है। पिछला थोड़ा सा पानी आता है उसमें। मैं कहता फोर पे फोर लगा लेते हैं। लग गया आगे। बात सुनो ना, वो जो बीच में रास्ता आया था वो सही नहीं था, उसमें थोड़ा सा पानी था, बाकी आगे रास्ता उधर से ही आया। ज्यादा पानी में से थोड़ा जाती है।
बंदे उतरने चाहिए ना, बंदों को उतरना चाहिए, इजी नहीं जाएगी। उतर जाइए, उतरे हाँ वैसे उतरते हैं ना बंदे, उतर के उतरे उतरी यार, वजन है ना छह बंदे बैठे हैं, ज्यादा बंदों को उतरना चाहिए, उतरते तो उतरते हैं, वजन ज्यादा है हम आगे से आपको बता भी देंगे, सारे उतरते हैं इसको लगे रहने दे। नहीं नहीं वजन ज्यादा, आप लोग भी वैसे उतर जाओ यार सारे, वजन हल्का हो जाएगा। और ऐसे ये गाड़ी चढ़ गई। सबसे ज्यादा जोर माज ने लगाया है, चेक इट आउट। इस जगह पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। अगर हमारी गाड़ी आगे चली जाती तो हमारा हाइकिंग का टाइम 2 घंटे रह जाता। लेकिन अब हमें 5 घंटे की हाइक करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू लोकल्स टू रीच कंडोल लेक। इस वक्त टाइम हो रहा था 1:30 और हमें अंधेरा होने से पहले पहले वापस भी आना था, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं।
और लेक पे कुछ टाइम स्टे करें और अंधेरा होने से पहले पहले वापस भी आएं। पहले लग रहा था अकेले ही जा रहे हैं, शुक्र है थोड़े बहुत बंदे तो नजर। हमें ज़रूरत है तेज़ चलने की और ये दोनों ऐसे जा रहे हैं जैसे कॉलेज जा रहे हो। बस उनके पीछे पीछे जाना है, पीछे पीछे जाना। आ जाओ दूर। बाकी रखना, बहुत भागे रखना। लेकिन ये एक इम्पॉसिबल सी बात लग रही थी कि हम यहाँ से 4-5 घंटे की हाइक करके लेक पे जाएं और अंधेरा होने से पहले पहले वापस भी आएं। आगे और मिल जाएगा। असली मन में आती है यहाँ पे ये सीधा होता है ना फिर। तो हमने बोला पेंसिल और कंडोल लेक का प्रोग्राम कर दिया कैंसिल और बट गोई टॉप को यस करवा दिया। Thank you.
है।